जीरेक्स पे एक नई कॉइन की लिस्टिंग होने वाली है जिसका वीडियो हम 25th के बाद लेके आने वाले हैं भैया। अब कॉइन कौन सी है वो अगर बता दिया मैंने तो सारा मजा ही बेकार हो जाएगा। बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लवली इन कॉइन के वजीरेक्स और साथ ही साथ कुछ बड़े एक्सचेंज के लिस्टिंग के बारे में। कितनी सारी कन्फर्मेशन है, कितनी सारी डाउट्स है और कितनी सारी मज़ेदार अपडेट्स है लवली इन कॉइन को लेकर, उसे मैं ज़रूर से बताने वाला हूँ। बट आप सबके लिए एक खास ऑफर है, वीडियो से एक दिन पहले जरूर से मैं आपको अपडेट करूँगा अपने VIP एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में कि कौन से कॉइन के रिगार्डिंग मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। वजीरेक्स पे जो लिस्ट होने वाली है 25 तारीख के बाद वीडियो आने वाली है, तो समझ जाइए कितना एक्साइटमेंट वाला पल होने वाला है भैया ये। क्योंकि भैया हमने आपको 2 दिन पहले यील्ड गेमिंग टोकन के बारे में बताया था और आपने रिजल्ट तो देखा ही होगा, लगभग 3 दिन के अंदर 10x ये हमारे ग्रुप में ही पॉसिबल है, हमारे चैनल पे ही पॉसिबल है। दोस्तों यील्ड गेमिंग की फर्स्ट वीडियो हमने ही लेके आया था और उसके बाद आप सभी को अल्टीमेट प्रॉफिट तो देखने को मिला ही होगा। तो भैया जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लवली इन कॉइन के एक्सचेंज लिस्टिंग के बारे में, क्योंकि अब 10 दिन का समय बचा है। 10 दिन में लवली इनू क्या कमाल करके दिखाएगी ये आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा बात है दोस्तों, क्योंकि लोग 1 महीने से वेट कर रहे थे, लगभग 2 महीने से वेट कर रहे थे कि बड़े एक्सचेंज में लिस्टिंग होने वाली है। लेकिन अब 10 दिन का समय ही बचा है, 10 दिन के अंदर लवली इनू कॉइन एक बहुत ही बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाली है जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या है कंफर्मेशन, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भैया, बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद आप सभी के लिए वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप सभी अपना थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट हमारे साथ शेयर करते हैं तो दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी से दबाइए सब्सक्राइब बटन को और कर दीजिए वीडियो को लाइक। अभी से 3 घंटे के बाद दोस्तों बाइनेंस के एक ऐसी कॉइन के रिगार्डिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ जो 1 दिन में आपको लाखों का प्रॉफिट देगी। जी हाँ, लाखों का प्रॉफिट देगी। आज भर के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वीडियो 2 से 3 घंटे बाद आएगी, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अल्टीमेट कॉइन होने वाला है, जरूर से नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। आप चलिए सीधे देखते हैं लवली इन कॉइन की तरफ से आई हुई ऑफिशियल अपडेट के बारे में क्या है जानकारी और कौन सी एक्सचेंज पर लवली इन कॉइन लिस्ट हो सकती है। और भैया हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स कमाल का काम करते हैं भैया, ऐसे ऐसे अपडेट्स हम तक पहुंचाते हैं कि भैया देख के खुशी जो है नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है। यहाँ पे लवली इनू की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि यहाँ पे लवली इनू कॉइन जो है लिस्ट होने वाली है इसी मंथ एक्सचेंजेस पे। एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंजेस मतलब एक से ज़्यादा एक्सचेंज होने वाली है। अंग्रेजी भैया थोड़ा सा समझ लेने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े कॉइन्स होते हैं ना वो सारी बातें क्लियरली नहीं बताते हैं। क्योंकि अगर आपको कह देंगे भैया हम बाइनेंस पे आ रहे हैं 10 दिन पहले से, तो आप पहले से कॉइन को इतना पंप कर दोगे, जैसे बाइनेंस पर जाएगी आप देखे पंप है भैया निकल जाओगे, तो ऐसे भैया कॉइन का तो नुकसान होता है ना। तो इसी चलते एक ओवरऑल हाइप यहां पे बन रहा है। लगभग 10 दिनों का समय रह गया जहां की लवली इन कॉइन कुछ एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाली है। अब कौन सी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाली है यहां पे बताया गया काइंडली वेट फॉर इट। काइंडली वेट फॉर इट का भैया 2 मतलब होता है यहां पे, क्योंकि हमने पिछले बहुत सारे एडमिन के ट्वीट देखे जहां की बताया जा रहा था अगर एक ही एक्सचेंज पे भी लिस्टिंग होती है लेकिन वो एक्सचेंज काफी बड़ा हो सकता है, वर्थ रहेगा, मतलब कि कुछ बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होने वाली है। तो यहां पे देख लेते हैं वजीरेक्स की लिस्टिंग की क्या क्राइटेरिया और क्या वजीरेक्स लवली इन कॉइन को लिस्ट कर सकती है, या फिर कोई ऐसे एक्सचेंज जो कि बहुत बड़ी एक्सचेंज हो जो कि ऐसे कॉइन्स को लिस्ट करते हो जो अभी न्यू हो और जिनकी होल्डर्स की संख्या बहुत तेजी से ग्रो कर रही हो। तो चलिए सीधे लेके चलता हूँ आपको वजीरेक्स पे। और भैया यहाँ पे लोगों को एक डाउट रहता है, भैया वजीरेक्स तो बड़ी एक्सचेंज है, 2 लाख होल्डर से नीचे लिस्टिंग करती ही नहीं है। बट यहाँ पे जो मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आप सभी शॉक हो जाएंगे और बोलेंगे भैया रियल इन्फॉर्मेशन तो आप ही जनरेट करके देते हो। भैया यहाँ पे हमें 2 ऐसे कॉइन देखने को मिल रही है जहाँ की MFT कॉइन है, और साथ में भैया यहाँ पे थोड़े से अगर हम ऊपर आ जाएँ तो NKS कॉइन भी हमें देखने को मिल रही है जो कि लगभग 25% ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ये दोनों कॉइन्स जो भैया काफ़ी नए कॉइन्स हैं, और इसे हम अगर देखें तो MFT कॉइन को खास करके अगर हम देखें तो MFT कॉइन के चलिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं MFT कॉइन में कितने होल्डर्स हैं। क्या लवली इन कॉइन NFT से आगे, MFT दोस्तों NFT नहीं MFT। तो चलिए चेक करते हैं इसके रिगार्डिंग जानकारी क्या है और उसके बाद आप सभी इतना खुश होंगे ना भैया बता नहीं सकते हूं आपकी एक्साइटमेंट लेवल कहां पहुंचने वाली है। तो चलिए सीधे आपको दिखाता हूं सबसे अमेजिंग अपडेट क्या है। यहां पे देख सकते हैं भैया ये MFT टोकन, अगर विश्वास नहीं होता थोड़ा बैक कर लेते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे, और कॉइन मार्केट कैप में यहाँ पे देख सकते हैं ये MFT कॉइन है जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। और चलिए इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को चेक करते हैं इथर स्कैन पे, ये एक ERC20 बेस्ड टोकन है। और अगर हम यहाँ पे आएँ
और इसकी होल्डर्स की संख्या को अगर हम देखें 28,121 होल्डर्स के साथ ये वजीरेक्स पे लिस्टेड है, तो फिर लवली इनुक्वाइन क्यों नहीं वजीरेक्स पे लिस्ट हो सकती है, ये मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। भैया लिस्टिंग के लिए ओवरऑल देखा जाता है कम्युनिटी कैसी है, होल्डर्स की संख्या तो लवली इनुक्वाइन की तेजी से बढ़ रही है कि भैया रॉकेट भी फेल हो जाए, इस तेजी से लवली इनुक्वाइन की होल्डर्स की संख्या बढ़ रही है। चलिए मैं कंपैरिजन जब कर ही रहा हूं तो लवली इनुक्वाइन की होल्डर्स की संख्या भी आप सभी को दिखा देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कितने ज्यादा चांसेस है लवली इनुक्वाइन के वजीरेक्स पे लिस्ट होने के। और यहाँ हम देख सकते हैं भैया ये है लवली इनुक्वाइन क्वाइन मार्केट कैप पे लिस्टिंग तो हो ही चुकी है, तो कहीं और जाने की जरूरत क्या है, यहीं से हम देख लेंगे सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी और देख लेते हैं होल्डर्स की संख्या कितनी हो चुकी है। तो सीधे हम आ चुके हैं यहाँ पे लवली इनुक्वाइन के होल्डर्स 31,500 MFT क्वाइन है पीछे, तो भैया यहाँ पे क्यों नहीं लवली इनुक्वाइन वजीरेक्स पे लिस्ट होती है जरा से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि उस दिन जब मैंने वीडियो लेके आया था लोग कह रहे थे भैया वजीरेक्स तो 1,00,000 होल्डर्स के नीचे लेगी ही नहीं, तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूं। भैया हो सकता है INR के पेड़ में ना ले, लेकिन USDT के पेड़ में जरूर से लिस्टिंग हो जाती है कम होल्डर्स के साथ भी, जहां की 28,000 से 30,000 होल्डर्स रहते हैं। तो मैंने आपको विथ प्रूफ के साथ दिखाया वजीरेक्स पे ऐसे भी क्वाइन लिस्टेड है जिनकी होल्डर्स की संख्या अभी 28,000 ही है, तो अब बताइए कितना मजा आने वाला है। तो जरूर से प्रोबेबिलिटी है दोस्तों कि वजीरेक्स पे लवली इनू क्वाइन आ सकती है, आप कितनी ज्यादा चांसेस लवली इनू टीम की तरफ से बताई जा रही हो तो टीम ही जानेगी, बट यहां पे पॉसिबिलिटी जरूर से है कि लवली इनू क्वाइन वजीरेक्स पे आ सकती है। तो अगर अब तक आपने वजीरेक्स में साइनअप नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें क्योंकि वजीरेक्स इंडिया की टॉप मोस्ट एक्सचेंजेस में से एक एक्सचेंज जरूर से है। अब चलिए चलते हैं यूबी ग्लोबल। जी हाँ दोस्तों, बाइनेंस की बात अभी हम नहीं करने वाले, बात करेंगे सबसे पहले यूबी ग्लोबल की, क्योंकि वो एक ऐसी एक्सचेंज है जो गेम कर देती है भैया, मतलब मैजिकल एक्साइटमेंट दे देती है, मैजिकल पंप करके दिखा सकती है। क्योंकि सीबाइन को यूबी ग्लोबल ने कितना ऊपर पहुंचाया है ये तो आप सभी ने देखा ही भैया, बाइनेंस से पहले सीबाइन की यूबी ग्लोबल पे लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद सीबाइन स्काई रॉकेट की तरह ऊपर गया था। तो चलिए देख लेते हैं क्या यूबी ग्लोबल पे लिस्टिंग पॉसिबल है। और भैया यहाँ पे हम आ चुके हैं यूबी ग्लोबल जो कि एक टॉप मोस्ट एक्सचेंज में से एक है, वर्ल्ड पे 2 नंबर पर रैंक करती है क्वाइन जियो को बजा के, चेक कीजिए ट्रस्ट स्कोर 10 out of 10 है, ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्सचेंज है दोस्तों। और यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेड भी लेता हूँ और यहाँ पे लिस्टिंग के चांसेस इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यू क्वाइन का एक अलग ही सेक्शन है, जहाँ की अगर आप मान लीजिए मैं इडन क्वाइन आपको दिखाता हूँ तो देख के आप भी शॉक्ड हो जाइएगा भैया ये न्यू क्वाइन है जो कि यूबी ग्लोबल पे लिस्ट हुई है। चलिए इसकी जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्यों लवली इनू क्वाइन की लिस्टिंग के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपने अभी तक यूबी ग्लोबल पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्ट्रेशन करके KYC कंप्लीट कर लीजिए, वरना भैया पता चला 2 दिन पहले अपडेट आई उसके बाद आपने KYC पे लगाया तो भैया KYC लटका हुआ है, तो इस तरीके का काम नहीं करना, रजिस्ट्रेशन परफेक्ट एक्सचेंज पे पहले से करके रखना, जैसे वजीरेक्स हो गई, यूबी ग्लोबल हो गई, बाइनेंस हो गई, इन सारे एक्सचेंजेस पे आपका KYC पहले से कंप्लीट रहना चाहिए। क्योंकि भैया बाइनेंस की रिगार्डिंग तो अभी अगले 2 घंटे में वीडियो लेके आ रहा हूँ, जहाँ की एक ऐसी कॉइन बताने वाला हूँ जो 100% पंप करेगी। तो भैया उस वीडियो को बाद में देखेंगे, बट अभी देख लेते हैं यूबी ग्लोबल के इस इडन कॉइन का क्या है सीन। और यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमने यहाँ पे इडेन सर्च किया और यहाँ पे आ चुकी है हमारी इडेन कॉइन, जहाँ की प्राइस आप मैच करके देख लीजिएगा, प्राइस जो है भैया मैच करती है यहाँ पे $3.9। तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को चेक करते हैं, ये भी एक ERC20 बेस्ड टोकन है भैया, तो यहाँ पे सीधे ईथर स्कैन ओपन हो जाएगी। और ईथर स्कैन ओपन होने के बाद यहाँ होल्डर्स की संख्या को अगर हम देखें 3,276 होल्डर, भैया मजाक हो रहा है क्या, इतने तो लवली इनू लॉन्च के दूसरे दिन ही शायद से थी, लोगों का बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है लवली इनू क्वाइन पर, तो लवली इनू क्वाइन काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सीधे सीधे यहाँ पे जो यूबी ग्लोबल एक्सचेंज है उस पर भी आ सकती है। क्योंकि यूबी ग्लोबल पे यहाँ पे हमें 3,276 होल्डर वाले क्वाइन भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव बना देती है एक्सचेंज को। क्योंकि ये जो एक्सचेंज है ना भैया यूबी ग्लोबल, इसमें नई क्वाइन की लिस्टिंग जो है इतने प्रॉपर तरीके से होती है, मतलब जेन्युइन क्वाइन की तो लिस्टिंग हो ही जाती है बहुत जल्दी से, जिसके बाद आप सभी को एक एक्साइटमेंट भरा पंप देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको सीबाइनो डॉज क्वाइन की नई स्टेकिंग भी मिली है, साथ ही साथ इनके तरफ से एक रिवॉर्ड भी चल रहा है, जहाँ के आप iPhone 13 Pro Max जीत सकते हैं भैया, 13 Pro Max, उसके साथ
$40,000 तक की भी इनाम जीत सकते हैं बिल्कुल फ्री में। रजिस्ट्रेशन कीजिए, एक दो लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ट्रेड लीजिए आराम से ह्यूबी ग्लोबल पे आगे, क्योंकि यहाँ पे भी लिस्टिंग के चांसेस लवली इनू कॉइन के काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। चलिए किसी और दिन हम वेरीफाई करेंगे बाइनेंस पे लिस्टिंग हो सकता है या नहीं, बाइनेंस मिनिमम कितने होल्डर वाले कॉइन को लिस्ट करता है। बट यहाँ पे मैंने आपको दो एक्सचेंज के रिगार्डिंग जानकारी दी, जहाँ की वजीरेक्स जो कि एक इंडिया की टॉप लेवल एक्सचेंज है, और यूबी ग्लोबल जो कि वर्ल्ड की टॉप लेवल की एक्सचेंज है भैया, तो मज़ा काफ़ी आने वाला है। तो चलिए थोड़ा तो वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए आपको क्या लगता है कौन सी एक्सचेंज पे लवली इनू कॉइन लिस्ट होने वाली है, क्योंकि लिस्टिंग के लिए अब बस 10 ही दिन बचे हुए, तो लवली इनू कॉइन को जोर से होल्ड करके रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, बायबैक चालू हो चुका है दोस्तों, इसलिए लवली इनू कॉइन की प्राइस नीचे जाने के चांसेस काफ़ी कम हो चुके हैं। तो आपने उस समय से ही देखा होगा प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और नीचे नहीं जा रहा है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी अपडेट है लवली इनू कॉइन के तरफ से। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो माई डियर फ्रेंड्स।